नमस्कार, मैं अंकित। मेरे फंड के डिटेल एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहां पर बात करेंगे ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में। क्यों? क्योंकि मेरे पिछले फंड के डिटेल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा लाइक जिस कमेंट में आए थे वो था ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड। वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ने ये बोला था कि इस फंड का एनालिसिस आप अगले ट्यूसडे को करिए, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड में क्या करना है, लेने के लिए सोचना है नहीं सोचना है, परफॉर्मेंस क्या है, क्या है मेरी एनालिसिस, आगे किस प्रकार का रहने वाला है, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। क्या है 100 रुपए के साथ SIP की बात, क्या है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सारे पैरामीटर की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जैसे कि हम अपने सारे वीडियो में करते हैं बेसिक डिटेल्स के साथ। अगर आप बेसिक डिटेल यहाँ पर चेक करोगे तो वही आ जाता है, ये ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड के तरफ से 2008 में लॉन्च है, बेंचमार्क निफ्टी 100 TRI। इसके साथ जब से ये आया है तब से इसने 13.61% का रिटर्न निकाल के दिया है। पॉलिसी 100 100 100 100, जो भी करना है 100 रुपये से आप कर सकते हैं। मतलब कि 100 रुपये के साथ आप अपनी SIP चला लो, 100 रुपये में आप लमसम डाल लो, 100 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हो, इसके साथ 100 रुपये आप एडिशनल अपनी एग्जिस्टिंग SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एक और पैरामीटर की बात यहाँ पर करते हैं, तो अगर आप परफॉर्मेंस में ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक साल में -4.18%। और जहाँ तक मेरे को लार्ज कैप की बात आती है तो एक ही फंड है जो यहाँ पर टॉप में चल रहा है, जो पॉजिटिव रिटर्न इक्का दुक्का परसेंट का निकाल के दिया है, वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। बाकी सारे के सारे, चाहे आप ले लो SBI ब्लू चिप इक्विटी फंड, चाहे आप ले लो ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड, सारे के सारे यहाँ पर नेगेटिव आपको निकाल कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पर सारे फंड गिर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर है नहीं, और 3-4% का ही नेगेटिव रिटर्न है, कोई बहुत बड़ा लॉस भी देखने को नहीं मिला है। बेंचमार्क देखोगे तो -3% गिरा है। ये बेंचमार्क, ये जो फंड है ना, ये बेंचमार्क के आसपास रहने वाला फंड है। क्यों? क्यों मैं आके बताता हूँ आपको। अगले 3 साल देखोगे तो 9% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, बेंचमार्क है 8.45, 5 साल में 14%, बेंचमार्क है 14, निफ्टी 100 TRI का 10 साल। सारा खेल जो है ना 10 साल का, लार्ज कैप फंड, जैसा कि मैंने पिछले एनालिसिस में भी आपको बताया था SBI ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में, कि लार्ज कैप फंड शॉर्ट टर्म फंड नहीं होते, लंबे समय में आपको असली काम करते हैं, असली रिटर्न निकाल कर देते हैं। वही काम यहां पर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड ने किया है। पिछले 10 साल में इस फंड ने 20% का रिटर्न निकाल के दिया है, 20%, बिल्कुल आपने सही सुना, 20% 10 साल में, यानी कि आपके सीधे सीधे 1 का बना दिया इसने 6। अब अगर आप बेंचमार्क देखोगे तो बेंचमार्क भी कहीं कम नहीं है, 17% बेंचमार्क भी है, तो आप परफॉर्मेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से म्यूचुअल फंड का दबदबा यहाँ पर रहा है पिछले 10 साल में। अगर आप बाकी फंड के साथ कंपैरिजन देखोगे तो उससे पहले, अच्छा परफॉर्मेंस में मेरा क्या एनालिसिस है, तो परफॉर्मेंस में मेरा एनालिसिस है, ये जो फंड है ये बेंचमार्क के पास ही रहता है, बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न निकाल के देता है, बिल्कुल बेंचमार्क के जैसे ही चलता है। इंडेक्स फंड आप समझ लो, नहीं इंडेक्स फंड आप मत समझो क्योंकि वो पैसिव हो जाता है, ये लंबे समय में बिल्कुल बेंचमार्क को कॉपी करता है, लंबे समय में आपको 1-2% का अल्फा निकाल के देता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 0-5% का अल्फा आपको निकाल के देगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बेंचमार्क 14 है तो फंड आपको 25% रिटर्न निकाल के देगा। इसका रीजन है, क्या कि भैया इसमें मिड कैप में ये पैसा ही नहीं लगाता है, तो अल्फा कैसे जनरेट होगा। मिड कैप में ये पैसा लगाता है लगभग 1-2%, मैक्सिमम 5%, तो इसीलिए अल्फा नहीं है। लेकिन फंड की आप परफॉर्मेंस में नजर डालिए, मतलब क्या फंड है। इसके साथ हम आगे बढ़ाते हैं, कंपैरिजन देखते हैं बाकी फंड का, बाद में आपको कंक्लूजन तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो, जैसा कि मैं बोल रहा था, एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो 1% का रिटर्न अकेला फंड जो पॉजिटिव दिया है। AUM ICICI प्रोडेंशियल इक्विटी फंड का 18,000 करोड़ का है, AUM पे मत जाओ। इसके साथ फंड काफ़ी अच्छा है, 5 साल में 14% का रिटर्न निकाल के दिया है। रिलायंस लार्ज कैप 17% रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन एक्सपेंस रेशो उसका ज़्यादा है, 2.31 एक्सपेंस रेशो सबसे कम ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, जो आप अपने फीस को मैनेज करने का, जो अपने पैसे को मैनेज करने के लिए जो फीस थोड़ा बहुत दे देते हो, जो आपसे काट लेती है MC, वो है यहाँ पर। अब पैसा कितना बनाता है, तो पैसा कितना बनाता है ये फंड, अगर आप आज से ठीक 10 साल पहले, आज से ठीक 10 साल पहले अगर आप 1,00,000 रुपए इस फंड में डालकर छोड़ दिए होते 28/10/2008 को, तो 28/10/2018
को आपके 1 लाख बन गए होते 5,80,000, यानी कि ये फंड आपका 1 का 6 बना कर दिया, 5,80,000 के आसपास। और आपको जो रिटर्न देखने को मिलता वो आई पॉपिंग रिटर्न यहाँ पर था 19.24%, बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग रिटर्न आपको देखने को मिला है, जबकि ये फंड लार्ज कैप है। और ऐसा नहीं है कि यही है, इसके बेंचमार्क भी आप देख लो 16.54% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर आप इसको कंपैरिजन एक बार कर लो, अगर मन नहीं करे गलती से भी कर लो, कि अगर आप वही पैसा 2008 में फिक्स डिपॉजिट में डाले रहते, सोचते नहीं भैया मेरा 1 लाख डूब जाएगा तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो आपके 1 लाख आज के डेट में रहते 2 लाख रुपए, यानी कि पिछले 10 साल में आपके पैसे सिर्फ 2 गुने हुए। 1 का 2 बना 7.69% के रिटर्न के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पर आपका ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप जो इक्विटी फंड है, वहाँ पर आपका 1 का 6 बना। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि लंबे समय में देखो, और ऐसा भी नहीं कि कोई आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया है ना, कंजर्वेटिव लोग के लिए ये फंड है ना, एग्रेसिव लोग तो स्मॉल कैप मिड कैप में और ज़्यादा देखते हैं, तो कंजर्वेटिव के हिसाब से भी सोचिए आपका 1 का 6 बन रहा है। अब फैसला आपका है कि आपको 1 का 2 बनाना है 10 साल में, या 1 का 6 या 7 बनाना है, तो वो फैसला आपके ऊपर है। इसके साथ हमारे जो नया पैरामीटर अभी हमने ऐड किया है वो है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। सेम वही कहानी, 28/10/2018 को आपके पास लमसम पैसा रहता है 10 लाख रुपए का। आप बोलते कि ये 10 लाख मैं डाल देता हूं, मेरे को हर महीने 10,000 रुपए देते जाओ, हर महीने 10-10 हज़ार देते जाओ, यही काम आप करते 28/10/2018 तक। अब आप बोलते कि मेरे को अब मंथली इनकम की ज़रूरत नहीं है, मेरे को मेरे 10 लाख रुपए अब वापस चाहिए। अब आपने जो पैसा उठाया पिछले 10 साल में, वो आपने लगभग उठा लिया 12 लाख रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए आपको 10-10 हज़ार करके हर महीने 10 साल तक मिल गए। अब आपके उन 10 लाख यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का क्या होता अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान किए रहते 2008 में? तो आज जब आप पैसा लेने जाते, आप अपने फंड को ज़्यादा नहीं देखते, सीधा 10 साल के बाद देखते। वैरन बफेट का प्रिंसिपल है ना, कोई भी चीज़ लो तो आप उस पर भरोसा रखो और उसको 10 साल के बाद देखो। 10 साल के पहले आप अगर देख रहे हो तो फिर पैसा नहीं बना सकते आप। तो आज अगर आप 10 साल के बाद देखते तो आपके 10 लाख यहाँ पर बनते लगभग लगभग 35 लाख रुपए। यानी ये तो आप अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान नहीं भी कराओ, और कोई अगर बोल दे कि 10 का 35 बन रहा है 10 साल में, तो वो ऐसे ही ले लेगा वो। तो यहाँ पर मतलब बना कितना, 35 तो आपको अभी है और 12 आपको मिल गए, यानी कि 47 लाख के आसपास पिछले 10 साल में। इस प्रकार का परफॉर्मेंस है इस फंड का। और ऐसा नहीं है ऐसे ही फंड है, अकेला फंड है, सारे फंड का परफॉर्मेंस देख लो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपके ध्यान में ला रहा था कि भैया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान नाम की भी एक चीज़ होती है जिसको आप काम में ले सकते हो, जिससे आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, आपको डिविडेंड प्लान में जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इसके बारे में बाद में और डिटेल में बात करेंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैसे कराना है, आपको विड्रॉल रेट कितना रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो US का कॉपी करके बता देते हैं कि भैया 3-4% का रखो, इससे आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कुछ नहीं होगा। तो ये सब आपको नहीं करना है, मैं डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगा। आज मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फंड का डिटेल एनालिसिस है। तो कुछ रिस्क मेजर पे यहाँ पर हम नज़र डालते हैं, तो रिस्क मेजर कुछ इस प्रकार का है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए, 13.48 है, कम है कैटेगरी के हिसाब से। इसके साथ शार्पे रेशो ज़्यादा होना चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा है। बीटा कम होना चाहिए 1 से, बीटा है 0.94। अल्फा ज़्यादा होना चाहिए कैटेगरी का, अगर आप अल्फा देखोगे तो नेगेटिव में है, और इसका अल्फा 0.37 जो कि पॉजिटिव में है। तो ये था यहाँ पर सारे के सारे पैरामीटर। और पैसा कहाँ लगाता है, सेक्टर लोकेशन वही फाइनेंशियल सर्विसेज में, आपको वही सारे लार्ज कैप का हिसाब किताब वही रहता है, 25 से 30% पैसा लगाकर चल जाते हैं, और 12% ऑटोमोबाइल, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये था डिटेल एनालिसिस। अब ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में मेरा क्या ओपिनियन यहाँ पर है, क्या आपको करना चाहिए इस समय करेंट सिचुएशन को देख के। बहुत सारे लोग का ये मानना है जो मेरे पास आ रहा है, वो ये बता रहे हैं कि भैया ICICI का जो प्रोडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड है काफ़ी अच्छा फंड है, हो क्या रहा है जब से सेबी ने रिकेटेगराइज कर दिया तब से ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ लिमिटेशन इस फंड में आ गए। मेरा ऐसा नहीं मानना है, अभी मार्केट डाउन चल रहा है, इसीलिए आप मतलब आपको बहाना चाहिए तो आप कुछ भी बहाना बना दो, ये वाली बात है। अच्छा फंड है, आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। इसके साथ आपको एक और फीचर मिलती है कि आप 100 रुपये की SIP यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में नए हैं
या जो लोग टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम जब बच्चे हुआ करते थे तो म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते थे, तो थोड़ा ऐसा कोशिश करते थे कि पैसा डाल के देखते हैं कि क्या कैसे काम करता है, कैसे फीचर्स काम करते हैं, फिर उस पैसे को हम वापस निकाल के कोशिश करते थे। ये सारा चीज़ भी आप इस फंड के साथ कर सकते हो। 100 रुपये की SIP भी आप यहाँ पर इस फंड में डाल के देख सकते हो और म्यूचुअल फंड के बाकी फीचर्स को भी एनालाइज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फंड है। और क्या ये फंड, एक और सवाल है कि क्या ये फंड मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो वाला फंड है? तो मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको दो लार्ज कैप फंड लेना है, एक आप ले चुके हो दूसरा लेना है, तो आंख बंद करके आप इसको ले सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप फंड लेना है तो फिर कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ जाता है SBI ब्लू चिप फंड और ICICI प्रोडेंशियल का जो ब्लू चिप इक्विटी फंड है उसके बारे में। अब यहाँ पर ये दोनों में आप एनालिसिस करके देख सकते हैं क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। इसके साथ आपको रिलायंस के लार्ज कैप फंड भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा। एक्सिस का ब्लू चिप इक्विटी फंड जाना चाहते हैं तो वो अभी रिसेंटली परफॉर्म कर रहा है, अच्छा फंड है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं यहाँ पर। और ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड भी काफी अच्छा फंड है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अनटिल आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, जो आपको जितना इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको लंबे समय के लिए यहाँ पर करना होगा इस फंड में, 5 से ज़्यादा साल का आप समय दीजिए और एक्सपेक्टेशन आप यही रखिए जो बेंचमार्क चल रहा है, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से ये फंड भी चलेगा, उसी प्रकार का ये परफॉर्मेंस देगा। फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप इस फंड को ले सकते हैं। ये जो पैसा लगाएगा टॉप की 100 यानी कि टॉप 100 कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी उसी में ये पैसा लगाएगा। बिल्कुल यहाँ पर लो रिस्क फंड है, कंजर्वेटिव लोग के लिए यहाँ पर फंड है, स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा इस फंड से। तो आप अपने कोर पोर्टफोलियो का इस फंड को जरूर से यहाँ पर चाहें तो हिस्सा बना सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। तो आप मुझे बताइए अगले फंड के बारे में, अगले ट्यूजडे आप किस फंड का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसका डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पर अगले ट्यूजडे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना है आपको लाइक, शेयर कीजिए अपने बाकी फैमिलीज अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस फंड के बारे में पता चले, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में पता चले और बाकी चीज़ें भी वो यहाँ पर सीख सके कि एनालिसिस किस प्रकार से होती है फंड की, तो शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो आप यहाँ पर चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब नीचे लाल बटन को दबा के। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड और बैंकिंग रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज लेकर आते रहता हूँ। आपके जो भी फंड है, जो भी पूछना चाहते हैं, नीचे मुझसे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपने किसी और वीडियो के साथ में।